बीएसएनएल कर देगा जियो एयरटेल की छुट्टी। रातों रात लोग बीएसएनएल में हो रहे हैं शिफ्ट। अब बीएसएनएल पहले की तरह सुस्त और बेकार नहीं बल्कि हाई स्पीड देने वाला नेटवर्क बन रहा है, क्योंकि अब बीएसएनएल में हो रही है टाटा ग्रुप की एंट्री, जो बीएसएनएल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगी। जिस बीएसएनएल को लोग गालियां देते थे, आज इंटरनेट पर उसी बीएसएनएल के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इसे अपनाने को बेताब हैं, जल्दी से जल्दी बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असली सच क्या है और कैसे बीएसएनएल रातों रात देश की पहली पसंद बन रहा है, आज हम सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। सिर्फ 249 रुपए के रिचार्ज पर 45 दिनों की अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा की वैलिडिटी, 1515 रुपए के रिचार्ज पर पूरे साल भर की वैलिडिटी। दोस्तों, हम यहां मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो आपको बीएसएनएल की स्कीम बता रहे हैं, जो बहुत ही सस्ती है और जो आज के टाइम पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि एक वक्त पहले इस तरह के सस्ते रिचार्ज करवा के जियो ने देश भर में इंटरनेट का विस्तार किया, लोगों को 4G नेटवर्क से कनेक्ट किया, लोगों को इंटरनेट की आदत डलवाई और देश को डिजिटलाइज कर दिया। लेकिन इतने सालों से जियो ने जो कुछ भी किया, जियो अब उसकी भरपाई हमसे करने के लिए तैयार हो गया है। जहां वो एक ही बार में अपना पैसा 3 गुना वसूल कर रहा है, जिसकी वजह से जनता नाराज भी है। और आखिर इतनी अचानक से जियो इतना महंगा कैसे हो गया? और जब जियो महंगा है तो जाहिर सी बात है कि एयरटेल भी मौके पर चौका मारते हुए अपना दाम बढ़ा लेगा। पर दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन ये नहीं जानते कि ये मौका पैसा कमाने का नहीं बल्कि कस्टमर बेस बढ़ाने का है, क्योंकि जनता नाराज है, जनता बौखलाई हुई है कि बढ़ती महंगाई में इतना महंगा फोन बिल भला कैसे भरा जाए। ऐसे में जब बीएसएनएल के इतने शानदार प्लान सामने आते हैं तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाता है। ऊपर से बीएसएनएल ने जो रातों रात अपने हजारों टावर्स देश भर में खड़े कर दिए, मतलब लगा दिए, वो भी कुछ कम नहीं है। खराब सर्विस और अपने स्लो नेटवर्क की वजह से बदनाम बीएसएनएल, जिसका फुल फॉर्म लोगों ने रख दिया था, भीतर से नहीं लगेगा, अब अपने आप को सुधार चुका है। आज से महीनों भर पहले भी कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि बीएसएनएल रिवाइव हो सकता है, लेकिन बीएसएनएल में जो टाटा ग्रुप की एंट्री हुई है और दूसरी कंपनियों ने अपना दाम बढ़ा लिया है, बस इसी मौके ने बीएसएनएल के अंदर एक नई जान फूंक दी है। दोस्तों, जिस 249 रुपए के प्राइस पर जियो मात्र 28 दिन की वैलिडिटी दे रहा है, इसी प्राइस पर बीएसएनएल पूरे 45 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से बीएसएनएल के जो धड़ाधड़ टावर देश भर में लग रहे हैं, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बीएसएनएल की 4G स्पीड इन बड़ी बड़ी कंपनियों के 5G स्पीड को भी पछाड़ देगी। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीएसएनएल ने टेक्नोलॉजी को बहुत धीरे धीरे एक्वायर किया। जब पूरे देश में 3G टेक्नोलॉजी चल रही थी, तब भी बीएसएनएल 2G पर अटका हुआ था। आज जब 5G का जमाना है तो बीएसएनएल अभी 4G पर अटका हुआ है। ऐसे में भला जनता बीएसएनएल पर भरोसा करे तो कैसे करे? और क्या कभी आपने बीएसएनएल के कर्मचारियों का रवैया देखा है, जो कस्टमर से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो फोन उठाकर कस्टमर पर एहसान कर रहे हो? इन सबके बावजूद बीएसएनएल ने एक चीज नहीं छोड़ी और वो थी गांव देहात तक अपना नेटवर्क खड़ा करना। जी हाँ, बीएसएनएल जब आया था तो उसका एक ही मोटो था कि देश के ग्रामीण इलाकों तक कैसे भी करके अपनी सर्विस पहुंचाई जाए, कैसे देश के गांव देहातों के लोगों को एक बेहतर मोबाइल फोन नेटवर्क दिया जाए। और अपने इस प्रयास में बीएसएनएल पूरी तरह से सफल रहा। आज भी अगर आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन यूजर हैं, तो शहरों में आपका इंटरनेट और नेटवर्क तो बिल्कुल चकाचक दौड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ग्रामीण इलाके में पहुंचेंगे, नेटवर्क ऐसे गुल हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और ये समस्या तो आज भी है। जी हाँ, 5G आ जाने के बाद भी गांव देहात में इंटरनेट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनका मकसद गांव देहात के लोगों तक पहुंचना होता ही नहीं था। इन्हें पता था कि पैसा तो शहरी लोगों की जेब में है, शहर के लोग ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, गांव के लोग भला क्या ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गांव में रहने वाला किसान जिसका पूरा दिन खेती बाड़ी करने में निकल जाता है, वो भला महंगा डेटा पैक करवा कर दिन भर क्या नेटफ्लिक्स चलाएगा क्या? उसे तो बस थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है और अपने सगे संबंधियों का हाल खबर लेने के लिए फोन करना होता है, इससे ज्यादा वो क्या ही करेगा। इसीलिए जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों ने देश के ग्रामीण इलाकों पर अपना फोकस ज्यादा बनाया ही नहीं, उन्होंने तो शहरी लोगों को अपने पैसे कमाने वाली मशीन बनाया और हर रोज 1 या 2 GB इंटरनेट सस्ते में देने का वादा करके अब उसी का दाम बढ़ा दिया। लो भैया, लग गई लत इंटरनेट की, और इस लत को पूरा करने के लिए अब रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा।
इस पूरी सिचुएशन में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं, तो कुछ का ये कहना है कि अंबानी जी जियो का दाम बढ़ाकर अपने बेटे की शादी का खर्चा वसूल रहे। खैर, जियो एयरटेल की धोखाधड़ी को देखते हुए लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसीलिए बीएसएनएल ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए और अपने ऐसे ऐसे प्लान्स लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करे कि लोग बीएसएनएल पर शिफ्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो बीएसएनएल को तब मिलता है जब टाटा ग्रुप इनसे हाथ मिलाता है। जी हाँ, जिसके साथ ही बीएसएनएल ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि पिछले कुछ समय में उन्होंने जितने टावर देश भर में लगाए उससे दुगुनी मात्रा में टावर वो और लगाएंगे। और ये कोई ऐसे वैसे टावर नहीं होंगे, बल्कि इनके अंदर अपग्रेड करने की क्षमता होगी। अभी भले ही ये जितने भी टावर बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है वो 4G हो, लेकिन बीएसएनएल का वादा है कि अगले ही साल यानी कि 2025 तक उनका ये नेटवर्क 5G में अपग्रेड हो जाएगा। इसीलिए तो लोग हजारों लाखों की संख्या में हर रोज बीएसएनएल पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इनका जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है, ऊपर से इसका जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड लोगों को ज्यादा मिलती है। और ये चीज अब जाकर जनता को समझ में आ रही है, वरना तो पहले कोई एक बोलता था कि बीएसएनएल खराब है तो उसके साथ साथ 10 और लोग बीएसएनएल को गालियां देना शुरू कर देते थे। अब भले ही उन्होंने बीएसएनएल इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, लेकिन मार्केट में बीएसएनएल की रेपुटेशन ऐसी ही है। और वैसे भी हमारे देश की जनता को हमेशा से ही आदत रही है कि हम सरकारी चीजों को कम ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम समझते हैं कि सरकारी मतलब बेकार, धक्का प्लेट वाला मामला है। हमें लगता है कि सरकारी चीज जितनी भी है वो सब सिर्फ नाम की है, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर टेलीकॉम नेटवर्क। अब ये चीज बदल रही है, जनता समझदार हो रही है, उसे समझ में आ रहा है कि सरकारी चीजें इसलिए सही नहीं होती हैं क्योंकि हम उनकी तरफ दिलचस्पी ही नहीं दिखाते, हम उन्हें सही करवाने की कोशिश ही नहीं करते। और एक कारण ये भी है कि लोग फिर से बीएसएनएल पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और वैसे भी अभी भारत में पूरी तरह से 5G का दौर नहीं आया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 5G तो फोन ही नहीं है। लोग अपना पुराना 4G फोन चलाकर ही खुश हैं, मजे में है, स्पीड तो मिल रही है, क्या ही करना है 5G फोन लेकर। ऐसे में अगर बीएसएनएल अपना 4G नेटवर्क बेहतर कर देता है और वो 5G नेटवर्क को पीछे छोड़ देता है तो बीएसएनएल देश में डेटा किंग बन जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों की छुट्टी हो जाएगी। आज बीएसएनएल टाटा ग्रुप की मदद से लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि टाटा के जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं वो बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेंगे, ताकि बीएसएनएल की जो सर्विस क्वालिटी है जिसे लेकर लोगों को हमेशा से शिकायत रही है वो इंप्रूव हो सके। जहां पहले तो बीएसएनएल टाटा के एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद लेगा, अब बोला जा रहा है कि टाटा की मदद से बीएसएनएल का जो कवरेज है वो बढ़ जाएगा। जहां बीएसएनएल आज जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फैला हुआ है उसे टाटा और ज्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी बीएसएनएल की पूरी कहानी और कैसे ये टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अपने आप को स्थापित कर रहा है। ऐसे में क्या आप बीएसएनएल में शिफ्ट होना पसंद करेंगे? आपका जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।